ये कहानी है मेरे नेबर में रहती आंटी और उसके बच्चे की। जैसे ही उनका बेटा का जन्म होता है, तब से उसका बेटा किस पे गया है, उसकी चेहरा किससे मिलता है, उसकी हरकतें कैसी है, उसी की बातें किया करती थी। फिर बच्चा थोड़ा बड़े होते ही वो मेरी मॉम और आड़ोस पड़ोस वाली आंटी के पास आती थी कि आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो कहाँ पे ट्यूशन जाता है। और उसने भी सेम स्कूल में अपने बेटे को ट्यूशन में भी भेजा और एडमिशन भी करवाया। उस आंटी ने कुछ नहीं सोचा कि मेरा बेटा क्या पढ़ेगा, मेरा बेटा आगे जाके क्या करेगा। सिर्फ वो नेबर वाली आंटी और रिलेटिव्स का ही व्यूज लेती थी कि आपका बेटा कहाँ पे पढ़ता है, आपके बेटे को तो 90% आता है तो वो कहाँ पे पढ़ता है। फिर बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, कॉलेज आ गया, यहाँ हमने सोचा कि यहाँ तो आंटी अपने बेटे को चांस देगी कि मेरा बेटा क्या करना चाहता है। पर नहीं, जब स्कूल पड़ोस वाली आंटी ने सिलेक्ट किया था तो कॉलेज वो कैसे अपने बेटे को चूज करने दे सकती थी। और फिर और थोड़ा बड़ा होते, यहाँ तक कि आंटी ने उसके अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का मौका भी नहीं दिया। वहाँ भी रिश्तेदारों जो रिश्ते लेके आते थे उसी में उसकी शादी करवाई। जॉब में भी आंटी को अपने बेटे पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा बेटा खुद जॉब ढूंढ लेगा। वहाँ भी उसने अपने अंकल की सिफारिश लगवाई। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि दूसरों की कंपेरिजन में और दूसरों क्या करते हैं, दूसरे लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरे लोग किससे शादी कर रहे हैं, कौन है उसका रिलेटिव, उसी सब में पूरी जिंदगी चली जाती है। लास्टली आई वुड लाइक टू से, इवन अ सेवंथ मल्टी क्यूजिन गिव अस अ ऑप्शन टू चूज अ क्यूजिन दैट विल बी सर्व टू अस, देन व्हाई आर वी चूजिंग समवन एल्स टू सर्व आवर लाइफ। इट्स यू हु कैन बिल्ड, रीबिल्ड, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। Remember, your life is your asset. Make sure you have a good will of it. Thank you.